वेलकम टू कामसूत्र। आगे आचार्य चुंबन में बाजी लगाने के बारे में बताते हैं, अर्थात स्त्री या पुरुष में से कौन पहले किसका होठ चूमता है या पकड़ता है। अगर इसमें स्त्री हार जाती है तो उसे रति क्लह करने की राय दी है। वो सिसकियां भरते हुए अपने हाथों को पटके पुरुष को धक्का मारकर अपने से दूर कर दे, अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा ले। अगर फिर भी पुरुष जबरदस्ती उसे अपनी तरफ करना चाहे तो स्त्री को उससे झगड़ा करते हुए कहना चाहिए कि चलो एक बाजी फिर से और हो जाए। अगर स्त्री दोबारा से चुंबनों की बाजी हार जाती है तो उससे पहले से भी ज्यादा शोर मचाना चाहिए। इसके बाद अचानक धोखे से पुरुष के होठों को अपने दांतों से दबाकर हंसते हुए अपने जीतने की घोषणा करनी चाहिए। पुरुष को यह कहकर डराए कि अगर छुड़ाने की कोशिश की तो काट लूंगी। आंखों के इशारे से अपनी जीत को जाहिर करें। इसी तरह दांत और नाखून से भी चोट पहुंचाने की कला के भेद है। आचार्य ने इस तरह के कलेश की जो सीख स्त्री को दी है उसका अर्थ उत्तेजना को बढ़ाना है। ये जो कलेश करने के बारे में बताया वो असली झगड़ा ना होकर सिर्फ काम उत्तेजना को बढ़ाने वाले प्रेम कलेश में होता है। इस तरह के रगड़ झगड़ वाद विवाद से स्त्री और पुरुष की उन ग्रंथियों से जिनका संबंध संभोग क्रिया से रहता है स्राव होता रहता है और शरीर में रोमांच, मन में स्फूर्ति और गुप्त अंगों में उत्तेजना बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।